kindly subscribe this channel to enjoy more collection of moral stories. एक समय की बात है ग्रेट कोरल रीफ की जीवंत गहराई में समुद्री जीवों का एक समुदाय रहता था जो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे वहां ओली लालची और आकर्षक ऑक्टोपस था सैम स्वार्थी शार्क और फियोना आलसी एंजल मछली ये तीनों प्राणी अक्सर अपने नकारात्मक गुणों के कारण परेशानी का कारण बनते थे हालांकि विंस्टन नाम का एक चतुर वालरस जल्द ही पांच रोमांचकारी और भावनात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्हें अपने तरीके की त्रुटि का एहसास कराने में मदद करेगा एक धूप भरी सुबह खजाने से भरे एक डूबे हुए जहाज़ की खबर चट्टान पर फैल गई ऑक्टोपस ओली ने सबसे पहले इसके बारे में सुना उसका लालच भड़क उठा और वह अपने लिए खजाना हासिल करने के लिए जहाज के मलबे की ओर दौड़ पड़ा उसने अपने जालों को सोने और गहनों के चारों ओर लपेट लिया लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की वह जहाज के तंग गलियारों में फंस गया वह संघर्ष करता रहा और घबरा गया चतुर वालरस Winston ने ओली की दुर्दशा देखी और तैरकर वहां पहुंच गया ओली तुम्हारे लालच ने तुम्हें फंसा लिया है मुझे तुम्हारी मदद करने दो और याद रखो साझा करना देखभाल करना है उसने बुद्धिमानी भरी मुस्कान के साथ कहा अनिच्छा से ओली सहमत हो गया एक बार मुक्त होने पर उसे एहसास हुआ कि कैसे उसके लालच ने उसकी जान ले ली थी और उसने चट्टान के निवासियों के साथ खजाना साझा करने का फैसला किया एक दिन मछलियों का एक समूह एक खतरनाक शिकारी से शरण लेने के लिए तैरता हुआ वहां से गुजरा उन्होंने शार्क सैम से सुरक्षा मांगी सैम ने केवल अपने बारे में सोचते हुए मांग की कि वे बदले में उसके लिए भोजन लाएं मछली का स्कूल उसकी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहा और दिन दिन कमजोर होता गया विंस्टन ने स्थिति देखी और सैम से भिड़ गया सैम तुम इन मछलियों से अधिक ताकतवर हो लेकिन सच्ची ताकत दया और सुरक्षा में है शोषण में नहीं उसने दृढ़ता से कहा सैम ने आश्चर्यचकित होकर विंस्टन के शब्दों पर विचार किया उन्होंने बिना किसी शर्त के स्कूल की सुरक्षा करने का निर्णय लिया उन्हें जो कृतज्ञता और विश्वास मिला उससे उन्हें तृप्ति का एहसास हुआ जो उन्होंने कभी नहीं जाना था एंजेल मछली फियोना को अपने खूबसूरत शैवाल उद्यान से प्यार था लेकिन वह इसकी देखभाल करने में बहुत आलसी थी एक समय हरा भरा और जीवंत उद्यान अत्यधिक विकसित और भद्दा हो गया उसके आलस्य ने आक्रामक प्रजातियों का अवांछित ध्यान आकर्षित किया जिसने पूरे रीफ के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल दिया विंस्टन ने फियोना का दौरा किया और बताया कि उसकी उपेक्षा से उसे कितना नुकसान हो रहा है फियोना, सुंदरता के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है और आपका आलस्य न केवल आपके बगीचे को बल्कि पूरे रीफ को नुकसान पहुंचा रहा है आइए इसे बहाल करने के लिए मिलकर काम करें उन्होंने प्रोत्साहित किया विंस्टन की चिंता से प्रभावित होकर फियोना ने अपने बगीचे को साफ करने के लिए ऊर्जा जुटाई उसने किसी खूबसूरत चीज को पोषित करने और बनाए रखने की खुशी का पता लगाया जिससे उसके आसपास के सभी लोगों को फायदा हुआ एक शाम समुदाय को पता चला कि रीफ के लिए एकता और समृद्धि का प्रतीक ग्रेट पल गायब था घबराहट फैल गई और दोषारोपण किया गया ओली सैम और फियोना अपनी खामियों के बावजूद मोती खोजने के लिए एक साथ आए प्रत्येक विंस्टन द्वारा उनमें किए गए परिवर्तनों से प्रेरित था उन्होंने अथक खोज की और अंततः मोती को एक दरार में फंसा हुआ पाया साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने मोती को मुक्त कराया और उसे उसकी सही जगह पर रख दिया उनके चेहरों पर खुशी और राहत साफ झलक रही थी विंस्टन गर्व से मुस्कुराए यह जानकर कि वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं से आगे बढ़ गए हैं चट्टान पर भयंकर तूफान आया जिससे उसके सभी निवासियों का जीवन खतरे में पड़ गया ओली ने फंसी हुई मछलियों को बचाने के लिए अपनी चपलता का इस्तेमाल किया सैम ने उन्हें सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और फियोना ने अपने नए पुनर्जीवित शैवाल उद्यान में आश्रय की पेशकश की विंस्टन ने प्रयासों का समन्वय किया यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ काम करें तूफान गुजरने के बाद समुदाय ओली सैम फियोना और विंस्टन को धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुआ तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि वे कितने बदल गए हैं ओली को अब खजाने की लालसा नहीं थी बल्कि वह मित्रता को महत्व देता था सैम को निस्वार्थ कार्यों में खुशी मिली और फियोना को रीफ की भलाई में अपने योगदान पर गर्व था विंस्टन ने समुदाय को संबोधित किया उनकी आवाज गर्मजोशी से भरी थी हम सभी में खामियां हैं लेकिन उन्हें पहचानने और उन पर काबू पाने से हम मजबूत और बेहतर बनते हैं आइए एक दूसरे का समर्थन करना और सीखना जारी रखें उस दिन के बाद से ग्रेट कोरल रीफ पहले से कहीं अधिक फला फूला ओली सैम फियोना और विंस्टन की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक प्रिय कहानी बन गई इसने युवा समुद्री जीवों को सिखाया कि सच्ची सुंदरता, ताकत और खुशी भीतर से आती है और एक साथ काम करने और एक दूसरे का समर्थन करने से किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है और इसलिए चतुर वालरस लालची ऑक्टोपस स्वार्थी शार्क और आलसी एंजेल मछली पूर्वक रहते थे उनके द्वारा सीखे गए सबक से उनका बंधन मजबूत हो गया चट्टान आश्चर्य और एकता का स्थान बनी रही जो विकास और मित्रता की शक्ति का प्रमाण है